अकीदे और किरदार। देखिए अकीदा यानी कि बिलीफ, देखिए अकीदा होता है बेसिकली किसी चीज को सच मान लेना। अकीदा किसे कहते हैं कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात जिसको हम मान लें कि ये सच है, ये दुरुस्त है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह एक है, हम इस बात को सच मानते हैं। इसके काफी सारे प्रूफ हमने पढ़ लिए हैं कुरान में भी और अहादीस से भी, और ऐसी बहुत सी निशानी हमारे पास सामने मौजूद हैं जिससे हमने इस बात को सच मान लिया कि खुदा एक है और ये हमारा अकीदा है। लेकिन किसी और का अकीदा कुछ और भी है, और भी बहुत से मजाहिब हैं, है ना, तो उनका अकीदा ये भी हो सकता है कि भाई खुदा एक नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना। तो अकीदा एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जो कि चेंज करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन वो चेंज किया जा सकता है क्योंकि अकायद चेंज हो जाते हैं। लेकिन अकीदे को चेंज करना रवैये को चेंज करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसी तरह से तो आप देखते हैं कि अगर किसी को मुसलमान करना हो तो बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये काम कि हम किसी को मुसलमान कर दें, उसका अकीदा चेंज कर दें। या कोई भी मुसलमान छोड़िए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ईसाई होते हैं वो हिंदू बन जाए, लेकिन ये चीज आसान नहीं है कि कोई अपना पूरा अकीदा जो पैदाइशी तौर से जिसको वो सच मानता आ रहा है उसको बदल के किसी और चीज को सच मानना शुरू कर दे और उसे झूठ मानना शुरू कर दे जो उसने पहले से देखा हुआ था। ये चीज बिल्कुल तकरीबन नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल ये चीज होती है, क्योंकि इसमें हमारी जिंदगी का बहुत लंबा अरसा जो है उसी चीज को सच मानते हुए गुजरा होता है। जब हम किसी चीज के बारे में मजबूत अकीदा रखते हैं तो वो अक्सर नाकाबिले शिकस्त हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये कि खुदा, ये अकीदा कि खुदा या कोई माकूफुल फितरत ताकत सरनविश्त इंसानी को कंट्रोल करती है, बहुत मजबूत अकीदा है। हम ये मानते हैं कि कोई है ऊपर वाला जो हमारे सारी चीजों का फैसला करता है ना, तो हम इसको सच मानते हैं। अब अगर कोई कहे कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे उसकी बात, वो कितनी भी दलीलें दे दे, हम अपनी दलीलें दे देंगे उसको। अच्छा, कोई शख्स ऐसा है जो मानता है कि नहीं खुदा नहीं है, आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग हैं जो दहरिये होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं खुदा वुदा कुछ नहीं होता, तो ऐसे में उनका जो अकीदा है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल चीज होती है। तो इसी तरह इसमें जो अगर हमारा अकीदा किसी चीज पर बहुत पुख्ता है तो उसके हिसाब से हमारा किरदार भी अमल में आ जाता है। ठीक है, अब अकीदे का काम यह होता है कि इससे हमारी समाजी जिंदगी में हमारे तजुर्बात मुनज्जम हो जाते हैं, हम अपने किरदार वाकयात वगैरह को उसके हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और हमारा अकीदा तौहीद है, तो अब हमारी प्रैक्टिसेस उसी हिसाब से होंगी, हमारा लिबास उसी तरीके से होगा, हमारा उठना जागना सोना उसी हिसाब से होगा, हमारा खाना पीना हम वही कुछ खाएंगे जो उस अकीदे के एतबार से खाने की हमें इजाजत है ना। हम हराम चीजें नहीं खाएंगे, हम गलत लिबास नहीं पहनेंगे, हम किसी से बेवजह किसी की हक तलफी नहीं करेंगे। अकीदा जो है वो पूरी जिंदगी हमारी एक तरह से तय कर देता है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको सच मान लिया है, वो हमारे लिए हकीकत है और वो हमारे लिए बदल नहीं सकती।